मुंबई से ये खबर है जहां पर डेविड हेडली ने एक बड़ा खुलासा किया है। कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान हेडली ने बताया कि लश्कर के निशाने पर तत्कालीन शिवसेना चीफ बाल ठाकरे थे। हेडली ने खुलासा किया है कि उसने इसके लिए बकायदा शिवसेना भवन की रैकी की और शिवसेना के एक नेता राजा राम रेगे से रिश्ते जोड़ने की भी कोशिश की। अहम खुलासा इस वक्त ये किया गया है। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। राकेश, क्या कुछ डेविड कैमरमैन हेडली की तरफ से कहा गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और क्या बताया गया, किस तरह राजा राम रेगे से रिश्ते जोड़ने की कोशिश हुई थी? पिछले बात रेगे से सरकारी पक्ष के जो वकील है उज्जवल निकम, उन्होंने डेविड हेडली से सवाल पहले कैसे मिले, कहाँ मिले, ये जवाब दिया कि मैं राजा राम रेगे से भवन दादर में जो है ये पार्टी। चलिए राकेश, आपसे दोबारा अपडेट लेंगे, आपकी वॉइस अभी क्लियर हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन बहुत अहम है। कई अहम खुलासे अब तक कर चुका है डेविड कोलमैन हेडली। चौथा दिन है आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही चल रही है और ऐसे में ये कहा गया कि बाला साहब ठाकरे निशाने पर थे